है, मोर है। जय हिंद साथियों, मैं पंकज मिश्रा वन रक्षक। आज हमारे वन मंडल सीढ़ी कंट्रोल रूम में फोन आया है कि यहीं सीढ़ी में दुर्घटा के पास एक मोर जंगल से उतरकर वह गांव की ओर चला गया है और उसे काफ़ी कुत्ते लोग वहां पे परेशान कर रहे थे। तो एक संजन व्यक्ति उस गांव के फोन लगाए थे, तो हम लोग चलते हैं और उस मोर का रेस्क्यू करते हैं। साथियों, आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, चलते हैं और उस मोर का रेस्क्यू करते हैं। साथियों, हम लोग देवघुटा के लिए रवाना हो गए हैं अपने सीढ़ी से। साथियों, चलते हैं और देखते हैं कि वह मोर किस अवस्था में है और कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये राष्ट्रीय पक्षी हैं साथियों, इनको बचाने का हमारा कर्तव्य है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद मित्र का। यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पर फोन आया था, चलिए चलते हैं। क्यों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ से फोन आया था और यह मोर यहाँ पे ये बैठा हुआ है। चलिए साथियों, हम लोग चलेंगे और अब इसका रेस्क्यू करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यह राष्ट्रीय पक्षी मोर। बहुत बहुत धन्यवाद उन भैया का जिन्होंने इसको बचाया है। बोल रहे हैं कि इसको कुत्ते चहेते थे, कुत्ते। चलिए साथियों, बात करते हैं उन भैया से जिन्होंने कंट्रोल रूम पे फोन लगाया था और इस मोर के लिए, इस राष्ट्रीय पक्षी के लिए। चलिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अंकल जी, आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह जी। आपको यहाँ ये कैसा और किस अवस्था में था? ये जंगल से उतरा, जंगल में चूंकि पानी नहीं है जी जी गांव की तरफ जी जी, तो इसको चार पांच कुत्ते जी जी खेदे रहे जी जी, तो कुत्तों से छुड़ाकर अपने घर लाए इसको जी। पानी पिलाया हमने जी जी और आटा फाटा खिलाया जी जी, और देखता कि इसको जब सुरक्षित हो गया जी जी, तो मैं जंगल विभाग में कंट्रोल रूम में फोन किया जी जी, और जंगल विभाग से आप आए हैं जी जी, और इसको आप उन्हें सुपुर्दगी में ले जा सके जी जी, जंगल में छोड़िए जी जी। और मैं और लोगों से आग्रह करता हूँ कि वन्य प्राणी की सुरक्षा करिए जी, पेड़ लगाइए जी जी, और जो भी असुविधा हो तो वो जंगल विभाग से आप संपर्क करें जी जी, और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब आपका। साथियों, मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग जब इन वन्य प्राणी कभी भी ऐसी अवस्था में हों, आप लोग गांव में भटक कर चले आते हों या फिर असुरक्षित हों, तो आप लोग तुरंत वन विभाग को बताइए एवं वन विभाग से संपर्क करिए, जिससे कि इन वन्य प्राणियों की हम लोग अधिक से अधिक रेस्क्यू कर इनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ सकें और इनका संरक्षण कर सकें। चलते हैं और इस राष्ट्रीय पक्षी मोर का हम लोग रेस्क्यू करते हैं और इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ेंगे भी। चलिए, अब वो नीचे चला गया। अरे नहीं, मार देगा, नहीं मारेगा उसको। तुम एक बार मेरे पैर पर पकड़ रहा है। चलिए साथियों, हम लोगों ने उसको पकड़ लिया है,
यह है राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और यह मोरनी नहीं है, मोर है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग अब चलेंगे, अब इसको वहाँ पर छोड़ेंगे। आप लोग कभी भी पक्षियों का रेस्क्यू करें तो आप उसको कपड़े से जरूर बांधें, जिससे कि वह उसके पंख उड़ ना पाए। वो इसको ले जाके गांधीग्राम में रिलीव करेंगे एवं छोड़ेंगे। और अब चलते हैं। चल बैठ। साथियों, हम लोग गांधीग्राम आ गए हैं, और ये अपना गांधीग्राम का जंगल है, और यहाँ पे ये रहेगा, इसके लिए बढ़िया स्थान है। यहाँ पे हम लोग और भी मोरों को छोड़े हैं, पकड़े रहे। लेवड़ियो, ये अपना जंगल पर, और हम लोग अब इस मोर को छोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक आध दो मोर को और छोड़ रखा है, और यहाँ पे इसके लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। पानी की भी सुविधाएं हैं, और अपना यह कैंपेक्स भी है वन विभाग का, और इसकी सुरक्षा भी यहाँ पे होती रहेगी। चलिए खोलिए। साथियों, हम लोगों ने अब इसको यहाँ पे छोड़ दिया है अपने गांधीग्राम में कंपाउंड पर, और इसके लिए यहाँ पे पानी भी है, अच्छी सुविधाएं इसके पास रहेंगी। साथियों, आप लोग यूं ही मेरे वीडियो पे आप लोग यूं ही ऐसे ही बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।